बुढ़ा है घर में? कौन बुढ़ा? वही तुम्हारा मालिक भवानी शंकर। ये आपसे किसने कहा कि भवानी शंकर बुढ़ा है? अरे मालिक, जिसका नाम भवानी शंकर हो वो तो पैदा होते ही बुढ़ा हो गया, क्यों है ना? अच्छा जाओ बुलाओ बुलाओ, आप यहां बैठिए, मैं बुलाता हूं। ओके। Come in, young man. Morning. Good morning. आप? मेरा नाम भवानी शंकर है। I Joe. आपका भी कोई जुड़वा भाई है क्या जो यहाँ माली का काम करता है? नहीं, मेरे यहाँ कोई माली वाली नहीं है, मैं खुद ही अपना बगीचा संभालता हूँ। अरे रे 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 रे। तब तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? फिर मैंने आपको बुढ़ा कह दिया। क्या हुआ? बुढ़ा तो मैं हूँ ही। हाँ बुढ़े तो आप हैं ही, लेकिन जैसे अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना चाहिए, वैसे ही बुढ़े को बुढ़ा नहीं कहना चाहिए, इससे उसके मन को ठेस पहुंचती है। Am I right? Sit down. Thank you, sir. नाम क्या है आपका? लकी, लकी शर्मा। लकी? वैसे नाम है लक्ष्मण प्रसाद, लेकिन यार दोस्त मुझे लकी कहते हैं, आप भी वही कहिए। नहीं, मैं लक्ष्मण प्रसाद ही कहूंगा। As you please, sir. आपकी मर्जी। वैसे चाहे तो आप मुझे लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा भी कह सकते हैं। That reminds me, पूरे नाम से याद आया, भैया कह रहे थे कि आपको म्यूजिक टीचर की जरूरत है। वो तो है, लेकिन दो शर्तें हैं। शर्त? हाँ, पहली शर्त, आपकी तनख्वाह 200 रुपए महीने होगी, लेकिन तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी राम प्रसाद को। वो क्यों? कहा ना, ये मेरी पहली शर्त है। ओके ओके अग्रीड। लगता है राम प्रसाद की फंस गया है, लेकिन गया कहाँ? पता नहीं डॉक्टर मामा, आज सुबह तो घर से इतनी जल्दी निकल गए कि मुझे पता भी नहीं चला। 2 दिन से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान तो मैं भी हूँ। भवानी शंकर की बातचीत से ऐसा लगा कि जैसे उसके ऑफिस के किसी आदमी ने उसे धोखा दिया हो। भैया आ गए। भैया डॉक्टर मामा आए हैं। ये क्या हुआ? प्रणाम मामा जी। तुम्हें को क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर रुमाल क्यों लगा रखा है? तूने ये क्या किया? भवानी शंकर के दफ्तर में काम करते हुए तूने मुझे मुड़वा दी? तेरी नौकरी गई। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ आओ आओ, कल लक्ष्मण आया था। कौन सर? लक्ष्मण तुम्हारा भाई। ओह हाँ, मेरा भाई। एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, वो जरा अपस्टार्ट है। क्यों सर, उसने कुछ बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं नहीं, जानबूझकर नहीं की, मगर मुझे माली समझकर बातें करने लगा। क्या शर्म की बात है सर। सर आप उसे घर में घुसने मत दीजिए सर। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा जुड़वा भाई है। सर आपको कैसे समझाऊं सर, उस जुड़वे भाई की वजह से ही मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तुम तो खामखा घबरा रहे हो, एक बात तो माननी पड़ेगी, उसकी आवाज में बड़ी मिठास है। अरे हाँ, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अब ठीक है सर। इतवार को मैं उनसे मिलने आऊंगा। किससे मिलने आएंगे सर? तुम्हारी माताजी से? नहीं नहीं सर, मैंने कहा ना वो बिल्कुल अच्छी हो गई है। क्या हुआ? तुम्हारी माताजी और मैं नहीं मिलूंगा? मैं आ रहा हूँ इतवार को। हमारे गुरुजी रहे हैं, वो हमको योगासन सिखा देते।
चाहिए है? अरे यार तेरी कहानी तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। पहले मैंने सोचा था कि तेरी कहानी मैं खुद ही डायरेक्ट करूं, लेकिन अब लगता है कि कोई कमर्शियल फिल्म का बड़ा हिट डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं रहा ना तेरी कहानी में। पहले कुर्ता चाहिए, फिर मुझे चाहिए, फिर माँ चाहिए। अरे मेरी कहानी में माँ की जगह मैं बीवी कर दूं। बीवी होगी यंग, यंग बीवी होगी तो सेक्स आएगा, सेक्स आएगा तो रोमांस आएगा, रोमांस आएगा तो गाने आएंगे, गाने आएगा तो विलन आएगा, विलन आएगा तो फिर हीरो लड़ेगा, चेस करेगा उसके पीछे। देख तो स्टोरी के बारे में बाद में सोच, पहले मेरे बारे में। मुझे एक माँ चाहिए और कल ही। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी अरुणा से कह देता हूँ, आज ही तेरी माँ बन जाएगी। अरे तू पागल हो गया है क्या? क्यों? वो तो मेरी क्या बीवी लगेगी? क्या 25-26 साल की सौतेली माँ नहीं होती? देख मुझे सौतेली नहीं, असली माँ चाहिए। असली यानी 40-50 साल की? 40-50 साल की माँ? सरिता भाई तो तुम्हारी माँ का रोल नहीं करेगी। नीरूपा जी तो बहुत दीदी है, सुलोचना जी कोल्हापुर गई है माँ का रोल। अरे हाँ, 4 दिन पहले मैं वासुदा की पिक्चर में काम कर रहा था, मेरी माँ कौन है उसमें माँ का रोल कर रही है यहाँ की एक लेडी, क्या नाम है उनका, मिसेस श्रीवास्तव, रिच लेडी है, सोशल वर्कर है और फिल्मों में सिर्फ शौकिया काम करती है एज अ हॉबी। उनके पास चलते हैं, वो हमें ना नहीं कहेगी? ना ना नहीं देवी जी, ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर पकड़ी गई तो? पकड़ी गई? आप ये क्या कह रही है मिसेस श्रीवास्तव, ये तो आर्टिस्ट के टैलेंट का इम्तिहान है, ये तो चैलेंज है आपके लिए। ना करने से पहले एक बार इसे देखिए, मिडिल क्लास का आदमी, अपने सारे खानदान का सोलो सपोर्ट, इसकी नौकरी चली गई तो क्या होगा? देखिए इसकी तरफ, ये गरीब आदमी की इकलौती बहन की शादी कैसे होगी, कौन करेगा इससे शादी मिसेस श्रीवास्तव? आप इसे महिला समाज का एक सोशल वर्क समझ के कर लीजिए प्लीज। नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैं तो अभी से नर्वस हो रही हूँ। मिसेस श्रीवास्तव आपने फादर ऑफ द नेशन सुना होगा, लेकिन कभी मदर ऑफ द नेशन सुना है? नहीं, क्यों? मैं बताता हूँ, पिता बनना बहुत ही आसान है मिसेस श्रीवास्तव, और माता बनना उतना ही मुश्किल है। सम्मान की चीज है किसी की माँ बनना, और आज ये सम्मान हम आपको देने आए हैं। काश ये सम्मान मुझे मिला होता, काश मैं इसकी माँ बन सकता। आप मान जाइए मिसेस श्रीवास्तव, हिम्मत मैं आपको दिला देता हूं। आइए बैठिए, बैठिए। आपने मुझसे कहा था कि आपकी इकलौती लड़की कनाडा शादी करके चली गई है। हाँ, और उसके बगैर आपको ये घर सूना सूना लगता है? हाँ। उसकी याद सताती आपको मन में शांति नहीं मिलती? क्या उम्र है आपकी बेटी की? यही कोई 22-23 साल। रत्ना भी 24-25 की है। रत्ना? जी, जिसकी बहन, इकलौती बहन, उसे माँ मिल जाएगी, आपको बेटी मिल जाएगी और आपका सूनापन दूर हो जाएगा। सिर्फ आपको इसे बर्दाश्त करना होगा, इसकी सूरत पे मत जाइए। ये ऐसे काफी बुद्धिशाली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सुशील है। बेटा अपनी माँ के पैर छुओ। जीती रहे बेटी, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तुझसे मिलने की लालच में ही तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। भैया मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वैसे आपको सब बातें ठीक से समझ में आ गई ना? समझना क्या है उसमें, अरे तुम्हारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया है। नहीं नहीं, माता का स्वर्गवास नहीं हुआ, माँ तो मैं हूँ। नहीं नहीं, मेरा स्वर्गवास अभी नहीं हुआ। और बस घर में हम तीनों हैं? तीनों नहीं आंटी, चारों। चारों? हाँ चारों।
अरे हाँ हाँ चारों चारों, एक वो भी तो है जो नहीं है लक्ष्मण प्रसाद। देखा हाँ। मैं भूली थोड़ी हूँ। आंटी आप बिल्कुल नर्वस मत होइए। नहीं नहीं मैं नर्वस क्यों होने लगी, नहीं मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। हाँ आइए 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 ना, आप उधर क्यों हैं, जूते रहने दीजिए ना। कैसा पवित्र वातावरण, आप बैठिए ना। रत्ना, ए रत्ना। चलिए आंटी। ए आंटी देख, आंटी देख, वहाँ वहाँ चल। हाँ चल अभी, पल्लू तो ठीक कर लो। हाँ पल्लू पल्लू, चल चप्पल। ओ थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा भाई लक्ष्मण प्रसाद दिखाई नहीं दे रहा है, वो घर पे रहता ही कहाँ है सर की दिखाई दे। वो तो वो शायद आप ही के यहाँ गया होगा सर गाना सिखाने। नमस्ते, कितना सौभाग्य है मेरा कि आपकी चरण धूली घर में पड़ी। ऐसा न कहिए ऐसा न कहिए, सौभाग्य तो मेरा है। बैठिए आप बैठिए आप बैठिए। ये मेरी छोटी बहन रत्ना है। अच्छा जीती रहो बेटी। बैठ हिंदी में एमए कर रही है। हिंदी में एमए कर रही है, क्यों ना हो क्यों ना हो, महान बाप की बेटी जो हो। थोड़ा सा श्रेय तो माता जी को भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं क्यों नहीं, the hand that rocks the cradle rules the world। जा बेटी रत्ना, भाई साहब के लिए थोड़ा सा। बहन जी तकल्लुफ की क्या जरूरत है, तकल्लुफ की क्या बात है इसमें, मेहमान तो भगवान होता है भाई साहब, और भगवान का भोग तो लगाना ही पड़ता है। जैसा पवित्र घर का वातावरण, वैसी पवित्र भाषा, वैसे ही पवित्र विचार। अरे हाँ आपकी पवित्र कैसे, आपकी तबीयत कैसी है। तबीयत तबीयत का तो क्या है भाई साहब, जब तक सांस ले रही हूँ ले रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप, भगवान लंबी उम्र दे आपको। लंबी उम्र लेके क्या करूँगी, एक ही बेटी है उसका ब्याह तय हो गया है भगवान की दया से, और एक ही बेटा है उसको तो काम से लगा ही दिया है आपने। एक बेटा, अब बात यह है सर कि लक्ष्मण को तो माँ किसी गिनती में लाती ही नहीं ना। हाँ हाँ, अरे उसका होना भी कोई होना है। उसके पिता कहा करते थे कि जन्म लेने से ही कोई बेटा नहीं हो जाता, कर्तव्य पालन के बाद ही बेटा वास्तव में बेटा बनता है। वाह वाह वाह, क्या ऊंचे विचार है। थोड़ा मुंह मीठा कीजिए। नारियल के लड्डू। हाँ। ये तो मेरी माँ भी बनाया करती थी। अच्छा? ये भी तो माँ ही ने बनाया है सर। लेकिन तुमने मुझे थोड़ा मुंह मीठा करने को क्यों कहा, मैं तो ये सब का सब खा जाऊंगा। अब तो मुझे जब जब फुर्सत मिलेगी तब तब मैं यहाँ आया करूँगा। मेरा मतलब है क्यों नहीं क्यों नहीं। आप ही का तो घर है, आना ही पड़ेगा इन लड्डुओं के लालच में। नहीं सर, इसके लिए आप कष्ट क्यों करें, माँ बना दिया करेगी, मैं ऑफिस में पहुँचा दिया करूँगा। हाँ, हाँ, मैं ढेर सारे बना दूंगी, चार पाँच महीने के लिए, क्यों रत्ना। हाँ माँ। धन्यवाद धन्यवाद। बहन जी मेरी एक उलझन दूर कीजिए, मूछों के सिवा राम और लक्ष्मण में तो कोई फर्क ही नहीं है, तो बचपन में आप कैसे पहचानती थी, बड़ी मुश्किल होती होगी। हाँ जी हाँ, बहुत मुश्किल होती थी। तो कैसे फर्क करती थी उन दोनों में। मूछों से। हाँ सर, माँ बचपन में बहुत गड़बड़ किया करती थी सर, जुकाम उसे हो तो नाक मेरी साफ कर देती थी, और मेरे पेट में दर्द हो तो दवा उसे पिला देती थी। तब एक दिन पिताजी ने पेंसिल लेके मेरी मूंछ बना दी, तब से सर 5 साल की उम्र से ये मूंछ लिए घूम रहा हूँ। तो टेक केयर ऑफ योर मुस्ताश माय सन, टेक केयर ऑफ योर मुस्ताश। तो फिर बहन जी, जाने को जी तो नहीं चाहता पर जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। नमस्ते नमस्ते।